अब हमने शुरू करने हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल तो सिर्फ दो थे लेकिन एक्सटर्नल काफी ज्यादा है, इतने ज्यादा है ठीक है कि कविश पहले ही रोने लग जाएगा, पर कोई बात नहीं कविश, हम अच्छे से क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। हाँ जी जी, मैंने कहा देखो देखो बेटा इसका ध्यान देखिए, रामायण खत्म हो जाएगी, ये उसके बाद पूछेगा कि रावण जी कौन थे। तो बेटा हम कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, बाहर से बंदे को लेके आना। इसके टोटल 10 मेथड हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हमारे पास क्या है बेटा? हाँ जी जी, अभी भी पूछ रहे, कुछ सारे थोड़े ना करने हैं। अच्छा जी, जय ए प्रभु, मुझे ऐसे स्टूडेंट से लड़ने की शक्ति दे, लड़ना नहीं समझाने की शक्ति दे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अभी पहले इसकी तरफ ध्यान दे दो, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? आपने ना देखा होगा, जरूर किसी ना किसी शॉप के बाहर लिखा होगा काम करने वाले लड़का या लड़की की जरूरत है, है ना? देखा है ना, ये कुछ सिमिलर है उसके जैसा, बट पूरा उसके जैसा नहीं है, ठीक है। अब आपने एक और सिचुएशन भी देखी होगी, ठीक है, कि आपके घर में कंस्ट्रक्शन ठीक है हो रही है और आपके पापा आपको कहते हैं सुबह सुबह की जल्दी उठ जी, कल हमने मंडी से ना वर्कर्स को बुलाने जाना है। फिर आप एक मंडी गए पापा के साथ, वहां पर बहुत सारे वर्कर्स थे और आपके पापा को जो काम के लगे वो उनको घर ले आए और आपके घर में जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो कंटिन्यू हुआ। क्या ये दूसरी सिचुएशन किसी ने कभी फेस की है या सुना हो इसके बारे में कुछ ऐसा? मंडी लगती है, वर्कर्स होते हैं वहां पर, सुना है कभी आप लोगों ने? तो ऐसी सिचुएशन एक होती है, ठीक है। तो हम लोग तो लुधियाना शहर में, आपको पता है लुधियाना शहर में मंडी कहाँ लगती है? घुमार मंडी वाली साइड एक जगह है, एक पॉइंट है, वहां पर काफी सारे वर्कर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां से आप लोग उनको पिक कर सकते हो जो भी आपके काम के होते हैं, ठीक है। तो ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं इनका कुछ वियर्ड सा कॉम्बिनेशन बना के बनता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक नोटिस लगाया जाता है नोटिस बोर्ड के ऊपर और वो क्या बताता है? डिटेल्स अबाउट द जॉब, ठीक है। कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि हमें इस टाइप के वर्कर्स की जरूरत है। अब वर्कर्स वहां पर इकट्ठे हो गए, मान लो 50 वर्कर्स इकट्ठे हो गए, फैक्ट्री ने उनमें से अपने काम के इंसानों को चुन लिया और अंदर बुला लिया, ठीक है। तो ये होते हैं, ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए मैंने यहां क्या क्या लिखा हुआ है, अगर आपके नोट्स में इसमें से कोई पॉइंट नहीं है तो आप वो एड ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जॉब सीकर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो नोटिस एक लगाया जाता है नोटिस बोर्ड के ऊपर जो बताता है डिटेल्स ऑफ जॉब, उसके बाद जॉब सीकर्स इकट्ठे हो जाते हैं फैक्ट्री के बाहर। उसके बाद आपको ये फोर्थ पॉइंट पहले याद रखना है, ये ज्यादातर हम मेथड कब यूज करते हैं? क्या हम सीईओ या कोई बड़ी पोस्ट को फिल करने के लिए ऐसा मेथड करेंगे? नोटिस बोर्ड पे आके एक बंदा कोट पैंट पाके 10,000 का खड़ा हुआ है, अच्छा जी इनको सीईओ चाहिए, अच्छा ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये ज्यादातर बेस्ट रहता है सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब्स जो होती हैं उनको फिल करने के लिए, ठीक है। ऐसी जॉब्स जिनके लिए या तो कोई स्किल ही नहीं चाहिए या थोड़ी बहुत कोई स्किल चाहिए, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स को फिल करने के लिए ये मेथड ठीक रहता है। अच्छा एक और चीज याद रखनी है, इन ये जो वर्कर्स होते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर जो हमारी कंपनी में आते हैं इनको बदली वर्कर या कैजुअल वर्कर भी कहा जाता है। बेटा ये लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, यू नो वेज बेसिस पे, दिहाड़ी वर्ड समझ में आता है सबको? जैसे कि एक दिन में इनका जितना काम का पैसा बना इनको डेली बेसिस पे पेमेंट दी जाती है, जिसको हम हिंदी में दिहाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में वेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये मेथड बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव मेथड है, इनएक्सपेंसिव एक्सपेंसिव महंगा, इनएक्सपेंसिव सस्ता, तो काफी सस्ता पड़ता है। हमने क्या कोई पैसे खर्चे टीवी में ऐड डालने के लिए, अखबार में ऐड डालने के लिए? हमने तो कोई पैसा नहीं खर्चा, हमने तो सीधा नोटिस बोर्ड पे लिख दिया वर्कर्स इकट्ठे हो गए, उनमें से हमने वर्कर्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो हमारे काम के थे। तो ये काफी सस्ता मेथड भी है और ये सूटेबल है फॉर फिलिंग द वैकेंसीज जब काम का बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। बेटा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा सांस भी नहीं ली जा रही है, इतना ज्यादा काम आ गया हमारे पास लेकिन वर्कर्स नहीं है, तो हम फटाफट से नोटिस बोर्ड पे लिख देंगे वर्कर्स आएंगे सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड और हम उनको पिक कर लेंगे, चूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आई होप